हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिलोजियम। सिलोजियम लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ में बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था सिलोजियम का, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले पॉसिबिलिटी केसेस। देखिए, पॉसिबिलिटी में बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं कि एक तो हो गया फैक्ट से रिलेटेड आपके पास में जो कंक्लूजन गिवन होते हैं, और दूसरे होते हैं पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। ओके, तो आज हम पॉसिबिलिटी केस डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे, तो देखिए स्टार्ट कर बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी के केस में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो की पॉइंट्स हैं मेनली, कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पॉसिबिलिटी विल फॉलो ऑन अननोन रिलेशन। अगर आपके पास में क्वेश्चन के अंदर अननोन रिलेशन है और कंक्लूजन में कह रहा है पॉसिबिलिटी, तो उस केस के अंदर पॉसिबिलिटी क्या होगी? ट्रू होगी, ठीक है। ध्यान रखने क्या होगी, पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं कि सम ए आर बी, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज सम बी आर सी। ओके, अब इस केस के अंदर अपना मैंने डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी एंड सम बी आर सी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके पास में कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है आपके पास, फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर सी, तो क्या कहोगे आप इसको? हाँ जी, अगर आपके पास कंक्लूजन गिवन है सम ए आर सी, तो उस केस में देखो ए और सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। बट अगर यहीं पे हमारे पास में आ जाता है क्या कि सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इसको ट्रू कहेंगे। रीजन बीइंग कि ये तो हमारे पास फैक्ट है कि हाँ जी सम ए आर सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जैसे यहां पे दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, ए और सी के अंदर कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि उस केस में क्या कहेंगे कि हाँ जी ये हमारा रॉन्ग हो गया कि सम ए इज सी। अगर कुछ पार्ट कॉमन होगा तभी तो हम कहेंगे ना कि हाँ जी सम ए आर सी। अब दूसरा, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो जब मैंने सी ड्रॉ किया है, हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, सम बी आर सी, ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की बजाय मैं ऐसे भी तो कर सकती थी सम बी आर सी। हाँ जी बताइए, कर सकते हैं ना, जब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर देखो ये वाला जो पार्ट है वो ए और सी दोनों में कॉमन हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे कि यस सम ए आर सी, तो उस केस में वो ट्रू हो गया। मींस क्या है, ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे भी अपने पास में इस तरह का कंसेप्ट आता है, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि पॉसिबिलिटी ट्रू है। और सम का जो पॉसिबिलिटी डायग्राम है उसको भी देख लीजिए। अब यही हम जब कर रहे हैं, तो सम का अगर पॉसिबिलिटी डायग्राम है, तो सम का पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या बनता है आपके पास में, अगर आपके पास में ए एंड बी, ये कौन सा हो गया, फैक्ट पे बेस्ड डायग्राम होते हैं सम ए आर बी। ओके, अब अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें, तो पॉसिबिलिटी के केस में बेटा क्या बनता है कि एक तो आप ये कह सकते हो कि ए और बी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ए एंड बी ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बन रहा है इसका, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी डायग्राम। अब मीन्स व्हाट कि अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मेरे पास में कंक्लूजन आ जाता है क्या कि सम ए आर बी, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, सम ए आर बी, और कंक्लूजन में मेरे पास कंक्लूजन क्या है, सम ए आर नॉट बी, इज ए पॉसिबिलिटी, तो उस केस के अंदर देखो ये जो पार्ट है इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये पार्ट बी से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अगर आपके पास में आता है फैक्ट, तो फैक्ट के अंदर हम रॉन्ग कहेंगे कि नेगेटिव कंक्लूजन है, रॉन्ग हो गया। बट अगर साथ में पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि हाँ भाई ट्रू है, हो सकता है, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई भी बात है माइंड में ऐसे लगता है अच्छा ऐसा हो सकता है, अगर मन में आता है हाँ जी हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, हो सकता है, दैट मींस कि पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। ओके, इसी तरह से अगर हम कहें कि ऑल ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए बी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ऑल बी इज ए पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, तो पॉसिबिलिटी के केस के अंदर जो पॉसिबिलिटी डायग्राम है वो ये भी आपका एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर सम का केस है
तो उस पे आल की पॉसिबिलिटी लग सकती है, ठीक है। हाँ जी, अब दूसरा पॉइंट जो है, अब इसके अंदर ही ये था हमारे पास में। अब मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास में यहीं पे आ जाता है कि सम बी, एक कंक्लूजन गिवन है, क्या कंक्लूजन है, सम बी आर ए, ठीक है, तो अब उसको क्या कहेंगे हम। अब यहाँ पे मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी, सम ए आर बी, ट्रू था, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थी। तो अब यहाँ पे अगर मेरे पास कंक्लूजन आ जाता है कि सम बी आर ए, तो फिर मैं क्या कहूंगी, यस ट्रू है। बट अगर यहाँ पे जो पॉइंट है ध्यान देने वाला, वो ये है कि अगर यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो अब क्या करोगे आप, इसको रोंग कहोगे, क्या कहोगे, रोंग कहोगे, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ए फैक्ट। तो ध्यान रखो कि फैक्ट पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती, पॉसिबिलिटी विल नॉट फॉलो ऑन फैक्ट। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपका फैक्ट के अंदर आंसर करेक्ट आ रहा है, तो उस पर पॉसिबिलिटी साथ में अगर अटैच कर दिया गया वर्ड, तो उस केस में आप क्या कहोगे, इसको फॉल्स कहोगे, ओके। तीसरा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि इधर और पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। अगर आपके पास में इधर और का केस बन रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में अगर एक स्टेटमेंट के अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया कंक्लूजन में, तो उस केस में क्या करोगे आप, पॉसिबिलिटी पे नहीं लगेगा, तो इधर और आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या है कि इधर और पे भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी, आप कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी ध्यान रख लो। अगर आपके पास में स्टेटमेंट में आ जाता है ओनली ए आर बी, कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं कि आपके पास स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा के चेंज करके आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में आ गया क्या, ओनली ए आर बी, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है बेटा ऑल बीज आर ए, All B's are A, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन के लिए आता है ये। क्या है, अगर आ गया ओनली ए आर बी, तो इसका मीनिंग क्या है, ऑल बी आर ए, ठीक है। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, क्या कह रहा, ओनली ए आर बी, जो ओनली जो A है वही B हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है, All A's are definitely B. अगर वर्ड आ रहा आपके पास में क्या, की वर्ड यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली, तो जब भी डेफिनेटली की बात आ रही है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, आल ही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। डेफिनेटली मतलब कि डेफिनेट है ये, तो क्या मीनिंग रहेगा इसका, All A's are B's. अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है क्या, नन बट ए आर बी, क्या कह रहा है, नन बट, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, देखो क्या कह रहा है, नन बट ए इज बी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ओनली ए इज बी, और ओनली ए इज बी का मीनिंग मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑल बी आर एज, तो क्या बनेगा, यही बनेगा, ध्यान रहेगा नन। अब ये पजल के अंदर भी आ जाती है ये वाली जो स्टेटमेंट है, नन बट ए इज बी, तो इस तरह से कुछ कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है, तो ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग क्या रहेगा, ऑल बी इज ए, ए इज बी। अब कोई भी आपके पास स्टेटमेंट आती है, तो उसके आगे सम, ऑल, नन, इस तरह का कुछ आता है, बट अगर मान लो यहाँ पे आपके पास में सीधा आ रहा है ए इज बी, ए इज बी, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर उस केस में आप क्या लोगे, उसको क्या कंसीडर करेंगे हम, ऑल ए इज बी, तो हमारा अंडरस्टूड है कि जो ए है ए के साथ में ऑल लगा हुआ है, ए के साथ में ऑल लगा हुआ है, अंडरस्टूड है ये, ओके। दूसरा अलग अलग पॉइंट, ओनली फ्यू ए इज बी, अब एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली Few A is B, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, सम होता है, ठीक है। अब दूसरा है few A is B, इसका भी मीनिंग सम होता है, बट ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। यहाँ पे अगर आता है आपके पास में ओनली few A is B, ओनली few A is B, दैट मीन्स वट, कि सिर्फ ये वाला पार्ट इसका B है, बाकी नहीं है, बाकी नहीं है, दैट मीन्स वट, इसके ऊपर हमारे पास में कोई कहता है कि हाँ जी सम ए आर नॉट बी, तो हम क्या कहेंगे उस केस के अंदर, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो उस केस के अंदर देखो ध्यान ये रखना है कि ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला सिर्फ इसकी बात कर रहा है कि हाँ जी ये वाला पार्ट क्या है, बी है, बाकी के पार्ट में हमें नहीं पता, क्लियर। दूसरा ये है कि हाँ जी सारे नहीं है, ओनली ए फ्यू जब वर्ड यूज हो रहा है ना, ओनली फ्यू, ठीक है ना, ओनली ए फ्यू मीन्स कुछ हैं, कुछ
कुछ नहीं है, मतलब कि जो नोट वाला केस है ना बेटा वो ट्रू हो जाता है इस केस के अंदर। अगर यहाँ पे हमारे पास में कंक्लूजन आ जाता है ना, क्या कि सम ए आर नोट बी, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। कब? ओनली ए फ्यू के केस में। बट अगर हमारे पास में फ्यू ए इज बी, तो फ्यू के केस में अगर आता है सम ए आर नॉट बी, तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। पॉइंट इज क्लियर? कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओनली ए फ्यू और एक सिर्फ आ जाता है आपके पास में फ्यू। इसमें डिटेल में करेंगे हम डिस्कशन, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ में, अभी पॉसिबिलिटी के केस डिस्कस करते हैं, ओके? हाँ जी, कुछ और पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं आपके, कौन से? अगर आपके पास में आ जाता बेटा एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मीनिंग क्या रहेगा? सम। एटलीस्ट ए इज बी, तो क्या रहेगा? सम ए इज बी, ओके? मैक्सिमम मीन्स सम, मिनिमम सम, वेरी फ्यू। अब ए फ्यू, वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू का भी मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे? सम। Each, each का मीनिंग होता है all, every, every means all, each और every दोनों के लिए क्या बनेगा? All। अगर आपके पास में 0.1% से 99.9% तक भी given है ना, कि 99.9% A is B, तो उस केस के अंदर भी बेटा क्या रहेगा? उसका मीनिंग सम रहेगा, all नहीं कह सकते जब तक कि आपके पास 100% ना आ जाए। बट अगर 100% आ गया तो 100% का मीनिंग क्या रहेगा? ऑल रहेगा। 100% का मीनिंग क्या रहेगा हमारे पास? ऑल रहेगा। और अगर आ गया आपके पास 0%, तो 0% का मीनिंग क्या होता है आपके पास? नन। ठीक है, तो 0% का क्या रहेगा? नन। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है आपके पास? सम हैन आर पिकॉक, सम पिकॉक आर क्रोस, नो क्रो इज पैरट। ये थ्री स्टेटमेंट्स गिवन है और इसके ऊपर दो क्या है? कंक्लूजन गिवन है। तो आप देखो, सम हैन आर पीकॉक का मीनिंग क्या हो गया? सम हैन आर पीकॉक, ठीक है, सम पीकॉक आर क्रो, सम पीकॉक आर क्रो, नो क्रो इज पैरट, नो क्रो इज पैरट, कोई भी क्रो पैरट नहीं है, तो इसके साथ में क्या आ रहा है बेटा? पैरट आ रहा है। डन। अब देखिए यहां पे कंक्लूजन है, ऑल द हैन बीइंग पैरट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल द हैन बीइंग पैरट इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो, हैन यहां पे हमारे पास, पैरट यहां पे। अब अगर हमारे पास में सिर्फ होता ही कितना होता बेटा? सिर्फ ये होता, ऑल द हैन आर पैरट, तो फिर उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं? पैरट यहां पे, हैन यहां पे, हमें नहीं पता दोनों के बीच में क्या रिलेशन, तो रोंग हो जाता। क्या हो जाता? वो रोंग हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास में गिवन क्या है? यहाँ पे क्या गिवन है? All hen being parrot is a possibility। क्या पॉसिबिलिटी है? तो अब देखो, ये दोनों दूर दूर है, दूर दूर है, तो हमेशा ध्यान रखो कि जब आपके पास में कोई भी दो ऑब्जेक्ट दूर दूर है, हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, उस केस के अंदर पॉसिबिलिटी ट्रू रहेगी। तो क्या रहेगा? ये ट्रू रहेगा, ठीक है। दूसरा तरीका बताते हो, देखो, अब यहाँ पे उसने क्या कहा? क्रो और पैरट के बीच में रिलेशन नहीं है, क्रो और पैरट के बीच में रिलेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना पॉसिबिलिटी के, तो आपने क्या करना है? इसको ट्रू करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ट्रू इस तरह से करना है कि भाई जो हमारी कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट है, वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर कोई भी रूल वायलेट नहीं होना चाहिए आपके पास में, ओके। तो अब देखो, हमने क्या बनाना है? ऑल हैन बीइंग पैरट, हैन और पैरट। तो अगर मान लो मैं इसको, पैरट को यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, अगर मैं पैरट को यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, देखिए, मैंने कहा भाई ये है पैरट, पैरट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो, कोई भी आपकी कंडीशन फॉलो रॉन्ग तो नहीं हो रही? देखो, नो क्रो इज पैरट। अब देखो, ये क्रो है और ये पैरट है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। दैट मीन्स की स्टेटमेंट हमारी ट्रू रहेगी अभी भी। तो उस केस के अंदर अब यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे उसने लिखा है हैन इज पैरट, तो ये तो ट्रू हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या रहेगा? ये पॉसिबिलिटी है, मींस कि ऐसा हो सकता है।
डन। देखो बेटा ये जो क्लासेस चल रही है ना, तो इसके अंदर मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों के अभी कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जाएं, क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम के अंदर, टाइम है एग्जाम के अंदर, तो कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का भी आपके पास में एक कोर्स है हमारा, जिसके अंदर 6 ईयर के प्रीवियस ईयर कोर्सेज हमने दिए हैं, ठीक है, तो आप उसको भी सभी ज्वाइन करेंगे। और जिसके अंदर एक कंसेप्ट बेस्ड क्लासेज चल रही है, जिसके अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर हम करवा रहे हैं, दिस इज एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसको भी सभी ज्वाइन करेंगे। ओके, सभी ने ज्वाइन करना है। अब देखो क्या कर रहे थे हम, पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी का आई थिंक सभी को क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आई होप क्लियर है सभी को। दूसरा पॉइंट देखिए, एटलीस्ट सम पीकॉक इज पैरट, एटलीस्ट सम दैट मीन्स कि सम है, पीकॉक इज पैरट। अब ये पीकॉक है बेटा, ये पैरट है, पीकॉक और पैरट के बीच में कोई रिलेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो सम का केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या आ गया आपके पास, ओनली फर्स्ट विल फॉलो, ओनली फर्स्ट विल फॉलो। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास ऑल ब्लू आर ब्लैक, ऑल ब्लू आर ब्लैक, ऑल ब्लू आर ब्लैक, आल का केस है, दैट मीन्स कि जिसके आगे आल है उसका सर्कल हम अंदर ड्रॉ करेंगे, दूसरा बाहर। उसके बाद सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड, ये ब्लैक था। ध्यान रखना कि जब भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो तो जो आपको डायरेक्ट रिलेशन गिवन है सिर्फ उसी को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो फैक्ट का आंसर उसी से आएगा। दूसरा है नो रेड इज वाइट, नो रेड इज वाइट, ये रेड है और ये कह रहा है कि ये वाइट नहीं है, दोनों दूर दूर है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके अब देखो क्या, सम ब्लैक इज नॉट वाइट, सम ब्लैक इज नॉट वाइट, सम ब्लैक इज नॉट वाइट। अब देखो हमें ये पता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला कौन सा, ये रेड वाला, ये पूरे का पूरा वाइट नहीं है। अब इसके अंदर ये वाला हिस्सा भी आ गया बीच में, और ये क्या था, ब्लैक, दैट मीन्स कि ये वाला जो है दिस इज अगेन नॉट वाइट, और ये क्या है, ब्लैक, तो क्या हो जाएगा, सम ब्लैक इज नॉट वाइट, तो ये तो ट्रू हो गया, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ये फॉलो करेगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ऑल ब्लू बीइंग वाइट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ब्लू बीइंग वाइट इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि ब्लू की वाइट होने की पॉसिबिलिटी है, तो अब क्या करना है, ब्लू की वाइट होने की पॉसिबिलिटी, ऑल ब्लू दैट मीन्स कि ब्लू का सर्कल अंदर आ सकता है व्हाइट के सर्कल के अंदर। तो देखो अगर बेटा मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, ये जो ब्लू मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये क्या है, हमारे पास में व्हाइट है। अब देखो क्या था आपके पास स्टेटमेंट, रेड और व्हाइट के बीच में कोई रिलेशन है, नो रेड इज व्हाइट, अगेन ये ब्लू यहाँ पे है, रेड यहाँ पे, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, बट ये ट्रू हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ फॉलो। हाँ जी बताओ, कोई डाउट, क्लियर है। ध्यान ये रखो कि जैसे जब भी पॉसिबिलिटी का केस आता है ना, तो ये देखो कि हाँ जी अगर मैं जो पॉसिबिलिटी में गिवन है उसको ड्रॉ कर लेती हूँ तो मेरी कोई स्टेटमेंट वायलेट तो नहीं हो रही, अगर मेरी कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग होती है उस केस के अंदर हमारा रॉन्ग रहेगा पॉसिबिलिटी का केस, ठीक है, और अगर कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होती तो उस केस के अंदर क्या रहेगा, हमारा ट्रू रहेगा। ओके नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट देखेंगे सभी, नेक्स्ट क्या है, सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो, ये एप्पल है और ये आ गया आपके पास मैंगो, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ये मैंगो है, ये हो गया ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर बनानास, ऑल ग्रेप्स मीन्स ग्रेप्स का सर्कल अंदर बनेगा किसके, बनाना के, तो बनाना का सर्कल हमारा बाहर बनेगा, बनाना। ओके ये पॉइंट क्लियर है। अब वेन डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया, आगे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट सम ग्रेप्स आर एप्पल, सम ग्रेप्स आर एप्पल। अब देखिए ग्रेप्स यहाँ पे है, एप्पल यहाँ पे है, ग्रेप्स और एप्पल के बीच में ये वाला पार्ट कॉमन है, कॉमन है, दैट मीन्स कि सम विल बी ट्रू, तो ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू हो गया। देन दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल बनानास बींग एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बनानास बींग एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। अब बताओ ये बताओ,
ये है सोचने वाला पॉइंट, ध्यान से समझेंगे। अब इसको करो, ऑल बनानास बींग एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ जी, अब सोचिए। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि हाँ जी जो आपके पास गिवन है उसको ट्रू करने की कोशिश करनी है हमने। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल बनाना बींग एप्पल, बनाना ये है एप्पल ये। तो अब इसके अंदर देखो कौन सा केस बन रहा है हमारा, एप्पल और बनाना के बीच में सम का केस बन रहा है, सम का केस बन रहा है। सम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सम के अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है, पॉसिबिलिटी के केस में क्या बनेगी, ओवरलैपिंग हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि ये सम का केस बन रहा है एप्पल और बनाना के बीच में, ठीक है। तो सारे अगर हमारे ओवरलैप हो गए तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, डन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये बनाना है, ठीक है, इसको अभी हटाते हैं, मैं कह रही हूँ भाई ये बनाना है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या बनेगा, आल एप्पल आर बनाना की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और दूसरा अगर हम दूसरा बनाते हैं, ये तो हो गया हमारा, मैंने अपोजिट बताया अभी, आल एप्पल आर बनाना इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही रहेगा, ठीक है। और अगर इसी के अंदर बेटा हम ऐसे बना दें, इसी के अंदर अगर मान लो मैं कहती हूँ ये नहीं ड्रॉ करना हमने, हमने ये तो यही रहेगा। दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये ऐसे आ गए एप्पल, ठीक है, इसके ऊपर मैंगो ग्रेप्स एंड बनाना, फिर क्या हो गया, अगेन पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो सम के अंदर आल की पॉसिबिलिटी लगती है, बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे एप्पल और बनाना, एप्पल और बनाना अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में ये केस बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आल की पॉसिबिलिटी लगेगी, आल एप्पल आर बनाना इज ए पॉसिबिलिटी ट्रू, आल बनाना आर एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी ट्रू, दोनों ट्रू रहेंगे। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, ट्रू हो गया। ओके, थर्ड देखते हैं, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल। अब ये तो कोई पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, ध्यान से देखो, जब पॉसिबिलिटी का केस नहीं है तो उस केस के अंदर आप देखो कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ऑल आर पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव है, और कंक्लूजन नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड विल फॉलो, डन। नेक्स्ट देखें, ए फ्यू कोर्ट आर जजेस, ए फ्यू कोर्ट आर जजेस, यहाँ पे कह रहा है फ्यू कोर्ट आर जजेस, यहाँ पे कोर्ट है, डन। ऑल द जजेस आर लायर, ऑल द जजेस आर लायर, ऑल द जजेस आर लायर। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि जो फ्यू है, फ्यू का मतलब मीनिंग क्या होता है, सम होता है, ठीक है, फ्यू का मीनिंग क्या होता है, सम होता है। ओके, अब दूसरा जो पॉइंट है, नो जज आर विटनेस, नो जज, अब ये जज है, नो का केस हमेशा ध्यान रखना कि जो पर्टिकुलर आपके पास में गिवन है ऑब्जेक्ट, तो उसी के साथ में ही उसको नो करना है। अब यहाँ पे जज की बात करें ना, जज आर विटनेस, दैट मीन्स कि इसके साथ में आपने देखना है कि इसके साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसके साथ रिलेशन नहीं है, इस वाले पार्ट के साथ में, डन। अब देखो क्या कह रहे हैं, ऑल द लॉयर इज कोर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल द लॉयर, सारे के सारे लॉयर की कोर्ट होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ जी बताओ, कोर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान पे देखो, ध्यान से, ये अब आपका सम के अंदर केस बन रहा है तो सम के ऊपर आल की पॉसिबिलिटी लगती है, अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल लगती है सम के ऊपर आल की पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, ध्यान से, लॉयर और कोर्ट, ये बेटा कोर्ट है, ये लॉयर है, दोनों के अंदर सम का केस बन रहा है, सम का केस बन रहा है, जब सम ट्रू आ रहा है दैट मीन्स कि आल की पॉसिबिलिटी उस पर ट्रू रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, आल विटनेस आर लॉयर इज ए पॉसिबिलिटी, आल विटनेस आर लॉयर इज ए पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखो, ये विटनेस है, ठीक है, ये लॉयर है, कह रहा है कि सारे के सारे विटनेस की लॉयर होने की पॉसिबिलिटी है। अब अगेन आपके पास पॉसिबिलिटी का केस आ रहा है, पॉसिबिलिटी दैट मीन्स कि अगर मान लो मैं इस विटनेस को यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तो अभी भी देखो, यहाँ पे देखो आप कि जज और विटनेस के बीच में तो अभी भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा, दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी तो ट्रू बन रही है, तो ये भी आपके पास में ट्रू हो जाएगा, क्लियर। तीसरा है, सम विटनेस आर कोर्ट, सम विटनेस आर कोर्ट, ये विटनेस है, ठीक है, ये कोर्ट है, दोनों दूर दूर है, ठीक है, डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं पता चल रहा हमें, जब कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है दैट मीन्स की हम यहाँ पे बता ही नहीं सकते कि सम विटनेस आर कोर्ट और नॉट,
ओके तो ये क्या हो गया आपके पास रोंग हो जाएगा, क्या आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, डन। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट देखो, देखो बेटा अभी जो केस था लास्ट के अंदर यहाँ पे क्या था ए फ्यू, क्या आ रहा था यहाँ पे ए फ्यू, ए फ्यू वर्क्स एज लाइक सम, जैसे हमने अभी तक सम किया है ना बिल्कुल वैसे ही काम करेगा ए फ्यू, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, अगर आपके पास आ जाता ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू, तो इसमें ध्यान रखना है जब भी बात आ रही है ओनली ए फ्यू की मीन्स वट कि कुछ ही है बाकी नहीं है, ठीक है। जैसे सम नोट के अंदर हम कहते थे ना कि कुछ नहीं है बाकी का हमें नहीं पता, ठीक है ना, कुछ नहीं है, तो इसी तरह से इसके अंदर जब ओनली ए फ्यू है तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या बनता है कि कुछ सर्कल हेक्सागन है कुछ नहीं है, सम आर हेक्सागन सम आर नॉट, इसका मीनिंग क्या है, सीधी सी बात है कि सम सर्कल आर हेक्सागन, एक तरह से इसमें से बेटा दो स्टेटमेंट निकल के आ रही है, ठीक है, और सम सर्कल आर नॉट हेक्सागन, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। बट अगर सिर्फ आपके पास में फ्यू आता है तो फ्यू के अंदर ये वाला रोंग होता है, फ्यू के अंदर रोंग होता है, ओनली ए फ्यू के अंदर ये ट्रू होता है, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखने वाला है, ओके। तो अब आते हैं हम, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओनली ए फ्यू सर्कल आर हेक्सागन, ओनली ए फ्यू सर्कल आर हेक्सागन, कुछ है ये वाले हेक्सागन, इसमें से कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, ओनली ए फ्यू हेक्सागन आर पेंटागन, ये जो कुछ है इसके अंदर भी क्या है, ये पेंटागन है। नो सर्कल इज स्क्वायर, नो सर्कल इज स्क्वायर, ये सर्कल है और ये स्क्वायर नहीं है, क्लियर। अब देखो पहले वाला, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम सर्कल आर नॉट हेक्सागन, सम सर्कल आर नॉट हेक्सागन, तो ये जो लाइन है इसका मीनिंग ही यही होता है कि सम सर्कल आर नॉट हेक्सागन, सम सर्कल आर हेक्सागन, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। ध्यान से समझो एक पॉइंट को, अगर स्टेटमेंट होती आपके पास में क्या, यस इतना होता ए फ्यू सर्कल आर हेक्सागन, उस केस के अंदर कंक्लूजन ये रॉन्ग हो जाता, बट यहाँ पे क्या आ रहा ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू आ रहा, इसलिए क्या हो गया ये ट्रू हो गया, डन। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसके ऊपर काफी स्टूडेंट्स ना रॉन्ग करके आ जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट देखो, नो पेंटागन इज स्क्वायर, नो पेंटागन इज स्क्वायर, ये पेंटागन है ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमें पता है कि हाँ जी है या नहीं है, देखो ये स्क्वायर है ये पेंटागन, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है और फैक्ट है पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो ये क्या हो गया आपके पास में रॉन्ग हो गया, क्या आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। फ्यू फ्यू के ऊपर अगर आपके कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, ओनली फ्यू और फ्यू के ऊपर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आती है तो उस केस में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, तो वो कंसेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर करवा देंगे, उस पर भी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये जो सीरीज है इसको सभी ने ज्वाइन करना है, सभी ने ज्वाइन करना है, दिस इज एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सभी ने ज्वाइन करना है, ओके। सो थैंक यू।